अपर से खबर है, अल्पसंख्यक छात्राओं ने सुभाष चौक पर जाम लगा दिया। हिजाब को लेकर विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के खिलाफ जाम है। बड़ी तादाद में लोग सुभाष चौक थाने के बाहर एकत्रित हुए हैं। भीड़ को देखते हुए बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक तक का रास्ता बंद किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। कांग्रेस शहर अध्यक्ष आर तिवाड़ी पहुंचे हैं सुभाष चौक थाने। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, बताइएगा आखिरकार सुभाष चौक पर अभी क्या स्थिति है? हिजाब को लेकर के जाम लगाया था, क्या जाम खुलवा लिया गया है? बातचीत हो पाई क्या? क्या स्थिति वहां की? देखिए, फिलहाल जाम अभी नहीं खुल पाया है। काफी गुस्से में है जो छात्राएं हैं, काफी गुस्से में है और उनका कहना है कि जिस प्रकार के बयान सामने आए उन बयानों को लेकर वो विरोध बता रही है। हालांकि मुद्दे पर अब विधायक सचिव खाने पहुंच चुके हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पुलिस कराधिकारी जिसकी रिपोर्ट राशि डोगरा भी मुद्दे पर पहुंची हुई है और पुलिस की जानी मामले को शांतिपूर्ण निपटाने की, हालांकि विधानसभा चल रहा है और किस प्रकार के बयान थे, हालांकि बयानों को लेकर किसी प्रकार की कोई वीडियो सामने नहीं है, लेकिन छात्राओं का आरोप है कि कोई बयान विवाद को लेकर बयान है जो कि नहीं होने चाहिए थे। फिलहाल मामले के संघर्ष के प्रयास किए जा रहे हैं। छात्राएं और बड़े संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे संघर्ष का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो जाम लगा हुआ है और जो लोगों को परेशानी होती है उससे निजात मिल सके और जाम को जल्दी खुलवाया जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जाम खुल जाए। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।